हेलो फ्रेंड्स, संजू की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं राजमा की एकदम मस्त सब्जी की रेसिपी शेयर करने आई हूँ और इसको कैसे हेल्दी बनाया जाता है वो देखिए। यहाँ कुकर में मैं अच्छे से राजमा को धो ली हूँ और इसको देखिए गैस चूल्हा पर रखी हूँ और ढक्कन लगा के 5 से 7 सीटी दे दूँगी। और यहाँ देखिए गैस चूल्हा पर कढ़ाई रखी हूँ, कुकिंग ऑयल जितना आप खाना पसंद करती हैं उतना डालिएगा और जीरा 1/2 चम्मच यहाँ डाल दी। तेल अच्छे से गर्म हो गई थी जब। अब देखिए इसमें क्या डालती हूँ, तेज पात को मैं धो के ले रही हूँ 2 पत्ता और इसको भी इस तरह से डाल दी। और सूखी खड़ी लाल मिर्च जो होती है 1 से 2 या जितना आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से डाल दीजिएगा। यहाँ मैं 2 ले रही हूँ, पूरी साबुत ले रही हूँ और इसको भी तेल में इस तरह से डाल दी। और ये मस्त से अब आँच को क्या ना कम कर दी हूँ। और यहाँ 2 प्याज या 3 प्याज जितना आपको ग्रेवी गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से प्याज ले लीजिएगा। मैं यहाँ बड़े साइज का 2 प्याज ली हूँ और इसको रफली ही काट ली हूँ और इसको देखिए इस तरह से डाल दी। और इसको क्या है ना कम आंच तो फुल आंच तो मीडियम आंच में इसको मैं अच्छा से प्याज को भूनूंगी और इसे फुल आंच में नहीं रखूंगी, नहीं तो क्या होता है ना कि ये जल जाती है, जल जाती है तो उतना टेस्ट अच्छा नहीं आता है फुल आँच वाला। इसको क्या है ना कम आंच में धीरे धीमा धीमा पकाइएगा तो बहुत अच्छा लगता है और इसकी सब्जी फिर बहुत अच्छी बनती है। देखिए मैं इसको कम आंच में भी थोड़ा सा देर के लिए इस तरह चलाऊंगी, थोड़ा नरम हो जाएगी तो हल्का सा फिर आंच को बढ़ाऊंगी फिर कम कर दूंगी। इसी तरह से 2 से 3 मिनट करना है, प्याज अच्छे से गुलाबी कलर में भून के रेडी हो जाएगी। और यहाँ मिक्सी के पॉट में मैं 1 मुट्ठी लहसुन ली हुई और यहाँ देखिए कुकर इस तरह से सीटी दे रही है। जितने सीटे में आपका राजमा अच्छा से गल जाता है उतना सीटी दे दीजिएगा। मैं यहाँ 4 से 5 सीटी ही दूंगी इसको, उसी में बहुत अच्छे से गल जाएगी। और यहाँ पर मैं 1.5 प्याज ले रही हूँ इस तरह से और इसको देखिए रफली ही काट ली हूँ और 1 मुट्ठी लहसुन लेके इसको छील दी हूँ और डाल दूँगी। और ये मेरी यहाँ प्याज क्या पिंक कलर की हो गई है और अब ये टमाटर और लहसुन जो मैं पीसी थी मिक्सी के पॉट में डालकर ये भी मस्त पीस गई है। अब इसको देखिए इस तरह से डालूँगी और डालने के बाद इसको फिर भूनूँगी अच्छे से। पिसा हुआ टमाटर और लहसुन को इसमें डाल दूंगी और फिर इसको बढ़िया से चलाऊंगी। देखिए इसको इस तरह से डाल रही हूँ, बहुत अच्छे से बारीक में पीस ली थी दोनों को, बहुत कम टाइम लगता है। आप इसमें क्या है ना टमाटर का यूज़ ज़्यादा कर सकती हैं, आपका अपना मन है। मैं यहाँ 1.5 टमाटर ही ली थी और 1 मुट्ठी लहसुन ली थी और इसमें आप क्या और खड़े मसाले का भी यूज कर सकती हैं। मैं आज बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ, आज बहुत ज़्यादा हैवी इसको नहीं बनाऊँगी, इसमें गर्म मसाला ये सब नहीं यूज करूँगी। उसके बाद भी ये बहुत टेस्टी लगती है। देखिए मैंने टमाटर और लहसुन जो दोनों पिसा हुआ था इसको डालकर इस तरह से मैं अच्छे से चला रही हूँ। इसको चलाने के बाद अब इसमें क्या क्या डालती हूँ देखिए, यहाँ मैं फास्टिंग नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से, जितना आप नमक खाती हैं टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। और हल्दी मसाला जितना हमको चाहिए उसके हिसाब से इसमें हल्दी डालिएगा। और इसमें क्या है ना मिर्च पाउडर, आप कश्मीरी जो मिर्च आती है ना वो डाल दीजिए, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। मैं यहाँ तीखा मिर्च ही ले रही हूँ स्वाद अनुसार, कश्मीरी मिर्च का यूज नहीं कर रही हूँ। इसको डालने के बाद अब इसे अच्छे से भूनूंगी। इसे भूनना बहुत ज़रूरी है, जितना अच्छा ये भूनेगा उतना ही ग्रेवी भी अच्छी लगेगी और खाने में भी टेस्टी बहुत लगेगी। सारा कमाल मसाले का होता है, मसाला बहुत अच्छे से प्यार से भुनाना चाहिए कम आंच में तो फुल आंच में। बस ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि मसाला जले नहीं किसी भी तरह से, क्योंकि जल जाएगी ना तो सारा राजमा का टेस्ट ही बिगड़ जाएगा और
राजमा मेरे यहाँ तो बहुत पसंद किया जाता है, बाकी सबके यहाँ भी बहुत पसंद किया जाता है। और इसमें आप क्या है ना, गरम मसाला या सब्जी मसाला या छोले मसाले डाल सकती हैं। मैं यहाँ क्या है ना, चिकन मसाला डालती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए, मैं एक चम्मच या आधा चम्मच इस तरह से एवरेस्ट का ही मैं चिकन मसाला ज़्यादातर यूज करती हूँ, वही डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद बहुत अच्छे से भूनूंगी। ये जो चिकन मसाला मैं डाली हूँ ना, तो देखिए इसमें मैंने गरम मसाले का ज़्यादा यूज नहीं किया है, पर ये सब का मुकाबला ये एवरेस्ट का चिकन मसाला कर लेगी। और मिक्सी के पॉट में जो लहसुन और टमाटर पीसी थी, इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको भी हिलाकर इस तरह से डाल दी। अब इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा जो पानी इन डाल दी हूँ ना, अब इसमें जितना मसाले में जितना कच्चापन होगा वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और इसका टेस्ट जो है ना, बहुत ही बिंदास आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब मैं इसमें देखे तेल बहुत कम यूज की थी ना, कम तेल मसाले में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी इस तरह से राजमा की सब्जी, मेरी बहुत मस्त लगती। अब इस मसाले को अच्छे से देखे मैं भूनूंगी, बहुत अच्छे से जब भून जाएगी ना, तब देखे यहाँ पर राजमा मेरा बहुत अच्छे से गल गया है। और ये ठंडा जब हो गया था, इसका प्रेशर डाउन हो गया था ना, तब इसको राजमा को इस तरह से मैं डाल दी बहुत अच्छे से। और ये क्या है, चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, पराठे के साथ भी अच्छी लगती है, पूड़ी रोटी नान सब में ये राजमा की सब्जी ना बहुत ही मस्त लगती है। और हेल्थ बेनिफिट तो इसका है ही, हेल्दी तो है ही, और हेल्थ के साथ टेस्ट भी मिले तो फिर खाने का मज़ा ही अलग होता है। इस तरह से देखे मैं इसको चला रही हूँ, इसको चलाऊंगी, इसको क्या है ना 5 मिनट मस्त से पकाऊंगी। इसको क्या है, अब आंच को क्या है ना फूल पे आप रख सकती हैं, क्योंकि मसाला पूरी तरह से भून गया है, राजमा कुकर में गल गया है अच्छा से, तो ये क्या है ना बहुत अच्छा से अभी क्या फूल आंच में रख देना, तो इसका जो जितना मसाले का फ्लेवर है राजमा के अंदर जाएगा, जितना नमक वगैरह डला है ना सब बहुत अच्छे से जाएगा। इसको 5 से 10 मिनट के लिए फूल आँच में पकाइएगा, और इसकी ग्रेवी अपने हिसाब से रखेगा। और धनिया पत्ती या फिर पुदीने की पत्ती आप इसमें डाल सकती हैं, जितना टेस्ट आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से। मैं यहाँ थोड़ा सा धनिया का पत्ती ले ली हूँ और इसको डालकर देखे इस तरह से चला रही हूँ। ये मेरी राजमा की सब्जी मस्त से बन गई है, खाने के लिए रेडी है। या तो इसे चावल के साथ खाइए या रोटी या पूड़ी के साथ। अगर आपको मेरे ये राजमा की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ मेरी वीडियो को थोड़ा देर वॉच कर लिया कीजिए, बिल्कुल भी मन नहीं करता है बनाने का, बिल्कुल भी वॉच नहीं करती हैं, फिर लगता है सारा मेहनत ही बेकार है। देखिए मैं इसे चावल के साथ ही सर्व कर रही, थोड़ा सलाद ले लीजिए, थोड़ा सा अगर अचार अच्छा आपको लगता है तो अचार थोड़ा रख लीजिए, और एक आध रोटी रख लीजिए। बहुत ही मस्त लगती है, सिंपल खाना और टेस्टी खाना और हेल्दी खाना भी होता है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी फ्रेंड्स का धन्यवाद, थैंक यू।